आपको कुछ ब्लैक एरियाज दिखते हैं जो हमारे वाइट एरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ओपेसिटी और जो हमारे ब्लैक एरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ल्यूसेंसी अब ऐसा क्यों होता है देखिए जो हमारी एक्सरे बीम होती है वो बॉडी के थ्रू पास करती है थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जाम्पल बोन्स हार्ट लंग और इन सारे स्ट्रक्चर की डेंसिटी अलग अलग है तो जो हमारे एक्सरे बीम होती है वो डेंस स्ट्रक्चर फॉर एग्ज़ाम्पल बोन इससे ईजिली पास नहीं हो पाती इस वजह से ये वाले स्ट्रक्चर हमें वाइट अपीयर होते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल लंग्स लंग्स हमारे डेंस नहीं होते हैं बिकॉज इनमें एयर फिल्ड अप होती है यहाँ से एक्सरे बीम ईजिली पास हो जाती है तो हमारे लंग्स कैसे दिखते हैं ब्लैक अपीयर होते हैं नेक्स्ट इज ऑलवेज एज्यूम दैट द पेशेंट इज़ फेसिंग यू रीज़न क्या है इसका राइट साइड ऑफ चेस्ट एक्सरे इज़ टू योर लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट एक्सरे इज टू योर राइट तो देखिए जो आपका राइट right है सॉरी जो आपका लेफ्ट है इट इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ चेस्ट एक्सरे और जो आपका राइट right है इट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट एक्सरे इस वजह से इस चीज़ को याद करने के लिए आप एज्यूम कर सकते हैं दैट पेशेंट इज स्टैंडिंग फेसिंग यू अब आपके पास एक पेशेंट आया है एक्सरे लेकर तो आप डायरेक्ट एक्सरे रीड करना शुरू नहीं करेंगे सबसे पहले आप क्या चीज़ कन्फर्म करेंगे पेशेंट नेम वेन इट वॉज टेकन वाई इट वॉज रिक्वेस्टेड एंड इन इट विच व्यू इट इज़ फॉर एग्जाम्पल देखिए एक्सरे में ये सारी चीज़ें मैंशन होती हैं नेम ऑफ पेशेंट एज जेंडर यूनिक आईडी नंबर डेट टाइम और यहाँ पर ये भी मेंशन है ये कौन सा एक्सरे है तो देखिए अब जो आपका हमारा थर्ड पॉइंट था देखिए थर्ड पॉइंट क्या था वाई इट वॉज रिक्वेस्टेड ये आपको एक्सरे फिल्म से नहीं पता चल पाएगा तो ये आपको प्रेस्क्रिप्शन से पता चलेगा पेशेंट के पास प्रेस्क्रिप्शन होगा उससे पता चलेगा या आप डायरेक्टली पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपका आप क्या प्रॉब्लम लेके आए थे नेक्स्ट इज आपके पास जो एक्सरे होगा उसकी आपको क्वालिटी चेक करनी है तो क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास तीन पैरामीटर हैं सबसे पहला है रोटेशन नेक्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड थर्ड इज एक्सपोजर अब मैं आपको इन तीनों को डिटेल में समझाऊंगा देखिए एक्सरे की क्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे रोटेशन व्हाट इज रोटेशन जो हमारी एक्सरे फिल्म होती है उसके सामने पेशेंट स्ट्रेट खड़ा होता है अगर पेशेंट राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न कर गया तो एक्सरे रोटेट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं रोटेशन अब ये पता करने के लिए कि हमारा एक्सरे वेल सेंटर्ड है या नहीं क्या करेंगे हम देखिए, यहाँ पर हैं हमारे स्पाइनस प्रोसेस एंड दिस दीज आर क्लैविकल तो क्लैविकल का लेटरल बॉर्डर और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो जो राइट right साइड और लेफ्ट साइड की क्लैविकल और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में डिस्टेंस है अगर वो इक्वल होगा इसका मतलब ये जो हमारा एक्सरे है दिस इज वेल सेंटर्ड एक्सरे सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल बाउंड्रीज ऑफ द क्लैविकल एंड द मिड लाइन दैट इज स्पाइनस प्रोसेस इज सेम ऑन बोथ साइड दैन इट इज़ वेल सेंटर्ड रेडियोग्राफ अब अगर रोटेशन प्रेजेंट होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा देखिए रोटेशन प्रेजेंट होगी फॉर एग्जांपल पेशेंट लेफ्ट की साइड रोटेट हो गया पेशेंट लेफ्ट की साइड रोटेट हो गया तो लेफ्ट साइड ऑफ क्लैविकल एंड स्पाइनस प्रोसेस के बीच में गैप क्या है इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारी लेफ्ट साइड की लंग फील्ड है वो डार्कर होगी एज़ कम्पेयर टू राइट right साइड ठीक है नेक्स्ट इज एक्सपोजर देखिए एक्सपोजर मतलब जो हमारी एक्सरे बीम हैं वो एडिक्वेट हैं या नहीं है एक्सपोजर चेक करने के लिए आपको फोकस करना है लोअर थोरासिक वर्टिब्रा पर तो लोअर थोरासिक वर्टिब्रे के जो मार्जिन्स हैं आप देख सकते हैं ये हमें बेयरली विजिबल हो रहे हैं क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे हैं तो एक्सरे में अगर आपको लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे के मार्जिन्स बेयरली विजिबल हैं इसका मतलब ये एक्सरे एडिक्वेट एक्सपोजर का है ये एक्सरे हमारा बिल्कुल करेक्ट है अगर ये हमारे मार्जिन्स क्लियरली विजिबल होंगे दैट मीन्स दिस एक्सरे इज़ हाइपर एक्सपोज और अगर ये मार्जिन्स हमें विजिबल नहीं होंगे दैट मीन्स दिस एक्सरे इज़ हाइपो एक्सपोज सो फॉर एडिक्वेट एक्सपोजर लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे मार्जिन शुड बी बेयरली विजिबल

अब ये पता करने के लिए कि प्रॉपर इंस्पिरेशन हुआ है या नहीं हुआ है दैट इज एडिक्वेट इंस्पिरेशन हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए एक क्राइटीरिया होता है सो so, क्राइटीरिया क्या है यू शुड बी एबल टू सी फाइव टू सिक्स एंटीरियर एंड ऑफ रिब एंड एट टू टेन पोस्टीरियर एंड्स ऑफ रिब अबव द डाइफ्राम अब ये एंटीरियर एंड ऑफ रिब और पोस्टीरियर एंड ऑफ रिब क्या है देखिए ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम सो दिस इज़ वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है हमारी रिब्स और जाती हैं एंटीरियरली तो आप देख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम से हमारी रिब्स निकल रही हैं और जा रही हैं एंटीरियरली तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारे रिब्स का वो होता है पोस्टीरियर एंड और ये जो आगे वाला पार्ट होता है दिस इज़ एंटीरियर एंड तो एडिकुएट इंस्पिरेशन के लिए हमें फाइव टू सिक्स एंटीरियर एंड विजिबल होने चाहिए और एट टू टेन पोस्टीरियर एंड विजिबल होने चाहिए रिब्स के अब द डायफ्राम तो चलिए काउंट करते हैं इस एक्सरे में दिस इज वन सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमें नाइन पोस्टीरियर एंडस विजिबल हो रहे हैं एंटीरियर एंड काउंट करते हैं तो ये हमारी शेडो है दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो हमें एंटीरियर एंड्स भी विजिबल हो रहे हैं मोर देन फाइव सिक्स एंड एट टू टेन पोस्टीरियर एंड्स भी विजिबल हो रहे हैं इसका मतलब ये जो हमारा एक्सरे है दिस इज एडिक्वेट इंस्पिरेशन सो क्वालिटी चेक करने के लिए आपको तीन चीज़ें चेक करनी है रोटेशन एक्सपोजर एंड इंस्पिरेशन आफ्टर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ एक्सरे लेट्स लर्न हाउ टू इंटरप्रेट नॉर्मल चेस्ट एक्सरे तो अगर आप एक चेस्ट एक्सरे देख रहे हैं फॉर एक्जाम्पल दिस चेस्ट एक्सरे यहाँ पर हमें एक पैथोलॉजी दिख रही है देर इज़ नो नीड टू डायरेक्टली जम्प ऑन दिस पैथोलॉजी इन स्टिड यू शुड रीड चेस्ट एक्सरे स्टेप बाय स्टेप बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन और एक्सरे पढ़ने के लिए आपको कोई न्यूमॉनिक याद करने की ज़रूरत नहीं है यू हैव टू अप्रोच आइदर रीडिंग द चेस्ट एक्सरे फ्रॉम इनसाइड आउट और फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड हेयर आई एम यूजिंग इनसाइड आउट अप्रोच सो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेकिया ट्रेकिया इज स्लाइटली टिलटेड टूअर राइट ड्यू टू एओ टी कार्ड तो चलिए देखते हैं हम अपने एक्सरे में यह है हमारी ट्रेकिया एंड ट्रेकिया डिवाइड इंटू राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकर्स और जो हमारी ट्रेकिया होती है इट इज़ इन मिड लाइन और स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड राइट साइड ड्यू टू एटिक आर्च तो यहाँ पे जो हमारी एयोटिया एटा होती है वो ट्रेकिया को स्लाइटली राइट right की तरफ टिल्ट कर देती है सो so, ट्रेकिया में आप क्या देखेंगे ट्रेकिया की पोजिशन फॉरन बॉडी और मास इन ट्रेकिया नेक्स्ट इज हार्ट साइज हार्ट साइज इज मेजर्ड बाय कार्डियोथोरेसिक रेशियो ये कार्डियोथोरेसिक रेशियो क्या होती है देखिए कार्डियक डायमीटर डिवाइडेड बाय थोरेसिक डायमीटर सो सी बाय टी पी ए व्यू में अगर ये रेशियो हमारा पॉइंट से कम है देन इट इज़ नॉर्मल हार्ट साइज अगर ये पॉइंट से पॉइंट के बीच में है देन इट इज़ बॉर्डर लाइन और अगर ये पॉइंट या फिर पॉइंट से बड़ा है देन इट इज़ एबनॉर्मल लेकिन अगर हम बात करें हमारे ए पी व्यू में तो हमें पता है एपी व्यू में हमें क्या मिलती है फॉल्स कार्डियो फॉल्स कार्डियो है तो ये रेशियो का कट ऑफ कितना हो जाता है लेस देन पॉइंट सिक्स तो नॉर्मल होगी अगर मोर देन पॉइंट सिक्स या फिर इक्वल टू पॉइंट सिक्स होगा तो वो क्या होगा एब नॉर्मल तो आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज फॉल्स कार्डियो तो अभी तक हमने क्या देख लिया है ट्रेकिया देख लिया है और हमारा हार्ट साइज देख लिया है नाउ वी विल लुक फॉर मीडिया स्टेनल की मार्किंग्स तो मीडिया स्टेनम की मार्किंग्स देखेंगे मीडिया स्टेनम की मार्किंग्स देखने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ देखिए जो हमारा हार्ट होता है ये हमारा हार्ट है हार्ट में हमारा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है तो यहाँ पर है हमारा राइट right एट्रियम यहां पर है हमारा लेफ्ट एट्रियम ये है हमारा एंटीरियरली एंटीरियरली क्या होता है हमारा राइट right वेंट्रिकल और लेफ्ट की साइड क्या होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल तो जो हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट बॉर्डर है राइट हार्ट बॉर्डर कौन बनाता है राइट right एट्रियम और लेफ्ट हार्ट बॉर्डर कौन बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम दिस इज इसको हम क्या बोलते हैं एट्रियल एपेंडाज एट्रियल एपेंडाज बोलते हैं इसको बिकॉज हमारा हार्ट राइट लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है इस वजह से जो हमारा राइट right वेंट्रिकल है वो कहाँ होता है एंटीरियरली फेस करता है होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई है देखिए तो अब हमें मीडिया स्टेनम की मार्किंग्स करनी है यहां पर क्या है हमारा राइट एट्रियम राइट एट्रियम है राइट right एट्रियम में ब्लड कौन डाल रहा है सुपीरियर वैना केवा एंड इन्फीरियर केवा। तो जो हमारी राइट मीडिया मार्किंग है उसमें क्या है सुपीरियर केवा, राइट एट्रियम एंड इन्फीरियर केवा। तो यहां पर आ गई हमारी सुपीरियर केवा। दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज वेना केवा। अब हम बात करते हैं अपने लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है तो यहाँ पर है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर क्या है हमारा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में क्या एंटर कर रही है हमारी पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट और यहाँ पर थी हमारी एओटा जो हमारी ट्रेकिया को क्या कर रही थी राइट right की तरफ टिल्ट कर रही थी तो हमारी ट्रेक राइट right की तरफ टिल्ट थी ड्यू टू एटा तो अब हम समझते हैं हमारे लेफ्ट साइड के मीडिय की मार्किंग्स को तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं दिस इज एटिक नकल उसके बाद आती है हमारी मेन पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक लेफ्ट एट्रियल अपेंडाज एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तो यहां पर आ गया हमारा एओटिक नकल पलनरी आर्टरी ये है एट्रियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तो आपको मीडिया स्नेनल की मार्किंग्स क्लियर हो गई होंगी नेक्स्ट इज हाइलम तो हमने क्या देख लिया है हमने अब तक ट्रेकिया देख लिया है ट्रेकिया हम देख चुके हैं हम हार्ट का साइज देख चुके हैं और हम मीडिया चैनल की मार्किंग्स देख चुके हैं अब हम देखेंगे हाइलम तो आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं दिस इज हाइलम तो हाइलम क्या होता है जहां से हमारी ब्रोंकस ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती है हमारे लंग में उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम अब हाइलम के बारे में आपको देखे बताता हूँ मैं हाइलम जो होता है वो हमारा कॉन्केव शेप का होता है कॉन्केव शेप का होता है लेटरली और ये है हमारा राइट हाइलम दिस इज़ लेफ्ट हाइलम राइट हाइलम जो होता है इट इज़ लोअर देन लेफ्ट हाइलम या फिर ये सेम लेवल पे होते हैं तो अगर राइट right हाइलम और लेफ्ट हाइलम ऐसे है तो ये भी ओके okay है राइट right हाइलम और लेफ्ट हाइलम सेम लेवल पे है तो ये भी सही है लेकिन अगर राइट हाइलम लेफ्ट हाइलम से ऊपर है तो ये पैथोलॉजी है दूसरा पॉइंट क्या मैंने आपको बताया जो हमारा हाइलम होता है वो कैसा होता है कॉनकेव लेटरली होता है ये कॉनकेव शेप का होता है एंड दिस हाइलम इज मेनली फॉर्म बाय ब्लड वेसल्स सो लेफ्ट हाइलम इज हायर देन द राइट हाइलम एंड इट कैन बी एट सेम लेवल एंड हाइलम इज कॉनकेव लेटरली नेक्स्ट इज डायफ्राम डायफ्राम बहुत ईजी है देखिए डायफ्राम में राइट डोम ऑफ ड्राईफ्राम होता है एंड लेफ्ट डोम ऑफ डाइफ्राम होता है अब जो हमारा लेफ्ट डोम ऑफ ड्राइफ्राम होता है वो लोअर होता है तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लेफ्ट डोम ऑफ डाइफ्राम लोअर क्यों होता है आपको ये नहीं बोलना है लीवर नहीं बोलना है लीवर को आपके सेंटेंस में आना ही नहीं चाहिए आपको बोलना है जो हमारा लेफ़्ट डोम ऑफ डाइफ्राम होता है वो राइट right डोम से नीचे होता है क्यों बिकॉज लेफ्ट डोम ऑफ डाइफ्राम पे हार्ट रखा हुआ होता है सो ड्यू टू वेट ऑफ हार्ट लेफ्ट डोम ऑफ डाइफ्राम इज लोअर एज कम्पेयर टू राइट डोम ऑफ डायफ्राम इसके बाद आप यहां पर जो देख रहे हैं दिस इज स्टमक बबल जो हमारे स्टमक का फंडस रीजन होता है वहां पर गैस होती है एंड दैट अपीयर एज स्टमक बबल एंड इट इज नॉर्मल फाइंडिंग डायफ्राम और स्टमक बबल देखने के बाद आप चेक करेंगे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल कॉस्टोफ्रेनिक एंगल क्या होता है कार्डियोफ्रेनिक एंगल क्या होता है ये देखते हैं कॉस्टोफ्रेनिक एंगल चेस्ट वॉल और डायफ्राम के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉस्टोफ्रेनिक एंगल और ये दोनों साइड होगा एंड हार्ट और डायफ्राम के बीच में जो एंगल होगा दिट इज कार्डियोफ्रेनिक एंगल अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारा क्या हो गया है प्लूरल एफ्यूजन हो गया है प्लूरल एफ्यूजन हमें बेस ऑफ लंग्स में मिलता है तो ये जो एंगल हैं इनकी क्या हो जाएगी ब्लंटिंग हो जाएगी ब्लंटिंग मतलब क्या होता है ये लूज कर देंगे अपने शार्प एजिस को सो so, कॉस्टोफ्रेनिक क्या होता है पॉइंट एट विच चेस्ट वॉल एंड डायफ्राम मिट लॉस ऑफ शार्प एंगल दैट इज ब्लंटिंग इज यूजुअली कॉज्ड बाय फ्लूरल एफ्यूजन तो आप जैसे इस एक्सरे में देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ब्लंटिंग हो चुकी है ड्यू टू प्लूरल एफ्यूजन इसके बाद आप क्या करेंगे यू विल फॉलो चेस्ट वॉल ऑन बोथ द साइड्स एंड कम्पेयर बोथ द साइड्स कंपेयर बोथ लंग्स एंड लुक फॉर एनी पैथोलॉजी तो आपने सबसे पहले ट्रेकिया देखी सो so, आपने सबसे पहले ट्रेकिया देखी उसके बाद आपने हार्ट का साइज देखा है उसके आपने बाद आपने मीडिया स्टिनम के बॉर्डर्स देखे दैन डाएफ्राम एंगल्स कॉस्टोफ्रेनिक एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल दैन आप ट्रेस करेंगे चेस्ट वॉल को अप टू टॉप राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को ट्रेस करेंगे और कंपेयर करेंगे उसके बाद आप लंग फील्ड को कंपेयर करेंगे राइट right साइड और लेफ्ट साइड की और फाइनली आप क्या देखेंगे बोन्स को देखेंगे तो बोन्स में आपकी क्या जाएंगी? आ जाएंगी क्लैविकल्स आ जाएंगी रिब्स आ जाएंगी और क्या आ जाएंगी हमारी यहाँ पर स्कैपुला होगी तो फाइनली आपका चेस्ट एक्सरे कंप्लीट हो जाएगा सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स दैट हाउ टू इंटरप्रेट नॉर्मल चेस्ट एक्सरे मे बी आपको एक लेंथी प्रोसीजर लग रहा होगा बट बिलीव मी जैसे जैसे आपको एक्सरे रीड करने का एक्सपीरियंस होगा आप ये सारे पॉइंट्स सेकेंड्स में कवर कर लेंगे सो so गाइज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में